कहानी की शुरुआत में हमें डियाना नाम की एक औरत को दिखाया जाता है जिसकी बेटी की हालत बहुत खराब है क्योंकि वो वक्त से पहले पैदा हो गई। इस वक्त वो इंक्यूबेटर में थी, उसे सांस भी बहुत मुश्किल से आ रहा था, इसलिए डियाना अपनी बेटी को देखकर तड़प रही थी। वो यही सोच रही थी कि न जाने इसकी बेटी इस हालत में कब तक जिंदा रहेगी। इसके बाद सीन कट होकर 17 साल बाद हमें उसी बच्ची को दिखाया जाता है। इस बच्चे का नाम लोई है, वो बड़ी हो चुकी है और वक्त से पहले पैदा होने की वजह से उसकी बॉडी के कई हिस्से काम नहीं करते। साथ ही साथ वो अस्थमा और हार्ट की भी पेशेंट है। अपनी जिंदगी को नॉर्मल रखने के लिए लोई को बहुत सारी मेडिसिन लेनी पड़ती हैं। इन सारी कॉम्प्लिकेशंस के बावजूद भी लोई काफ़ी समझदार है। वो एक बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहती थी पर यूनिवर्सिटी उसकी भेजी हुई एप्लीकेशन का कोई जवाब नहीं देती। ऐसे में उसे लगा कि उसे यूनिवर्सिटी ने रिजेक्ट कर दिया होगा। खैर, अब हम देखते हैं कि डियाना यानी उसकी मॉम अभी ग्रोसरी की शॉपिंग करके घर वापस आई थी। वापस आने के बाद वो एक फोन कॉल में बिजी हो जाती है और लोई जैसे ही ग्रोसरी बैग से चॉकलेट लेने के लिए बैग खोलती है तो उसे इसके अंदर टियाना नाम पे कुछ टैबलेट्स मिलती हैं, जिन्हें देखकर वो परेशान हो जाती है क्योंकि उसकी मॉम तो कोई टैबलेट यूज ही नहीं करती थी। फिर आखिर उन्हें क्या हुआ होगा? रात में अब उसकी मॉम उस टैबलेट्स उसे देने के लिए आती हैं। लोई नोटिस करती है कि उसे वही टैबलेट दी गई थी जो उसकी मॉम के नाम से आई थी। वो डियाना से पूछती है कि ये टैबलेट्स आपके नाम से क्यों आई थी, तो डियाना जवाब में कहती है कि शायद ये फार्मा की गलती है। ऐसे में लोई चुपचाप वो मेडिसिन खा लेती है। अगली सुबह लोई वही मेडिसिन रैक में से निकालती है। मेडिसिन को चेक करने पर उसका फार्मूला ट्रॉई ऑक्सिन लिखा था, लेकिन अजीब बात यह थी कि इस मेडिसिन को किसी और मेडिसिन के रैपर से रैप किया गया था। ये देखने पर लोई को अपनी मॉम पर शक होता है। वो सारी मिस्ट्री का पता चलाने के लिए अब जल्दी से कंप्यूटर पर ट्रॉई ऑक्सिन सर्च करती है, यानी इस मेडिसिन के रैपर पर लिखा हुआ फार्मूला सर्च करती है। लेकिन आज उसकी मॉम के कंप्यूटर का इंटरनेट नहीं चल रहा था। हम देखते हैं कि इंटरनेट असल में टियाना ने ही ऑफ किया था, जो दूर खड़ी उसे अभी भी देख रही थी। इस वक्त वो तो चुपचाप अपने कमरे में आ जाती है। अगली सुबह जब वो देखती है कि उसकी मॉम गार्डन में बिजी हैं, तो वो जल्दी से उनके रूम में जाकर उनके मोबाइल फोन से ऐसे ही कोई नंबर मिलाती है। जो दूसरा आदमी फोन उठाता है वो उससे कहती है, प्लीज मेरी हेल्प करो, मुझे एक मेडिसिन का फार्मूला सर्च करके बता दें, ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। फोन की दूसरी तरफ वो आदमी ट्रॉई का काम कर देता है। वो उसे बताता है कि ट्रायोक्सिन नामक फार्मूले की टैबलेट अक्सर हार्ट पेशेंट को दी जाती है। ये रेड कलर की टैबलेट होती है, लेकिन इस वक्त लोई के हाथ में जो टैबलेट थी वो ग्रीन कलर की थी। इस वक्त उसे शक होता है कि उसकी मॉम कुछ तो गड़बड़ कर रही हैं उसके साथ। उसे अब किसी भी तरह इस मेडिसिन का असली फार्मूला पता चलाना था ताकि वो इसके साइड इफेक्ट्स को जान सके। इसलिए वो कुछ सोचते हुए डिनर के टाइम पे डियाना से कहती है कि काफ़ी टाइम हो गया है, हम कहीं गए नहीं, क्या हम मूवी देखने के लिए थिएटर जा सकते हैं? टियाना उसे थिएटर ले भी जाती है। जब सब मूवी में मगन थे तो तब लोई टियाना से पूछकर वॉशरूम के लिए निकलती है, लेकिन असल में वो वॉशरूम नहीं जाती बल्कि पास ही एक फार्मा कंपनी में चली जाती है। वो एक मेडिसिन फार्मासिस्ट को देखते हुए कहती है कि मुझे इस बारे में पता लगाना है कि ये मेडिसिन किस चीज़ की टैबलेट है और इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं। फार्मा उसे उस मेडिसिन की इन्फॉर्मेशन देने से मना कर देती है क्योंकि ये मेडिसिन उसकी मॉम के नाम पर ली गई थी। यहाँ पर क्लोई फॉर्म से कहती है कि असल में मैं और मेरी मॉम एक गेम खेल रहे हैं। उन्होंने मुझे टास्क दिया है कि मैं इस मेडिसिन का फार्मूला ढूंढ के लाऊं। प्लीज़ अगर आप मेरी मदद करें देंगी तो मैं जीत जाऊंगी। ये सुनते हुए फार्मा उसे सर्च करके बता देती है। यह सुनते हुए फार्मा उसे मेडिसिन देकर बताती है कि ये मेडिसिन डॉग्स के लिए इस्तेमाल होती है और अगर कोई इंसान इन मेडिसिन को लेंगे तो वो पैरालाइज हो सकता है। ये सुनने के बाद क्लोई बहुत ज़्यादा डर चुकी थी क्योंकि उसके घर कोई डॉग तो था नहीं और बचपन से ही उसकी मॉम उसको ये टैबलेट देती आ रही थी। क्लोई को परेशानी और डर में उसे अस्थमा अटैक आ जाता है। वो सांस मुश्किल से ले रही थी और इसी टाइम पर दियाना यानी उसकी मॉम भी उसे ढूंढते हुए यहाँ आ चुकी थी। वो उसे एक इंजेक्शन लगाते हुए बेहोश कर देती है और फिर अपने घर ले जाती है। जब वो होश में आई तो उसने देखा कि वो अपने कमरे में लॉक थी, जबकि बाहर डियाना अपने कंप्यूटर पर सर्च कर रही थी कि किसी भी इंसान को पैरालाइज कैसे किया जा सकता है। यहाँ क्लोई भी अपने कमरे से बाहर निकलना चाहती थी, तभी उसके मन में एक आइडिया आता है कि वो अपने कमरे की विंडो से दूसरे कमरे में जाकर अपने कमरे का दरवाजा खोल सकती है। वो हॉट आयरन रोड लेकर अपने मुंह के अंदर ठंडा पानी भरती है और अपनी खिड़की से बाहर की तरफ जंप कर देती है। मुश्किल से रेंगते हुए वो अपने मॉम के रूम तक पहुंचती है और उसकी विंडो को सबसे पहले वो आयरन रोड से गर्म करने के बाद उसके ऊपर ठंडा पानी फेंकती है और इस तरह विंडो के टूट जाने से वो इस कमरे में आ चुकी थी।
वो इस कमरे से जल्दी से बाहर जाती है और अपने रूम का दरवाजा खोल लेती है। उसको दोबारा से सांस लेने में मुश्किल हो रही थी, तो यहीं वो रूम में रखा हुआ अपना इनहेलर यूज करती है और जल्दी से स्टेयर्स से नीचे आने की कोशिश में लग जाती है। पर वो देखती है कि अब उसकी लिफ्ट काम नहीं कर रही, लेकिन उसे किसी भी हालत में नीचे जाना था। वो अब अपनी व्हील चेयर को पहले नीचे फेंकती है और फिर खुद भी सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। उसे इस वक्त काफी चोट भी आई थी, लेकिन वो अपने आप को संभालते हुए दोबारा व्हील चेयर पर बैठकर घर से बाहर निकल जाती है। घर से निकलने में तो वो कामयाब हो गई थी, लेकिन वो मदद किससे मांगे? उसके घर के आसपास तो किसी का घर भी नहीं था। तो वो रोड पर निकल जाती है और तभी उसे एक गाड़ी की आवाज आती है। क्लोए को लगा कि ये डियाना की गाड़ी है, इसलिए वो जंगलों में छुप गई, पर असल में तो ये ट्रक था। वो इस ट्रक के सामने जाकर खड़ी हो जाती है, जिसे देखकर ट्रक वाला अपने ट्रक रोक देता है। क्लोए यहाँ उससे मदद मांगती है कि वो उसे सारी कहानी सुना देती है, कैसे उसकी मोम बचपन से ही उसे डॉग्स की मेडिसिन देकर पैरालाइज कर रख रही हैं, उसकी जान खतरे में है। वो इस आदमी से कहती है कि मुझे किसी भी हालत में पुलिस स्टेशन जाना है। ये आदमी उसकी बात मान लेता है। इससे पहले कि वो क्लोए को अपने ट्रक में बैठाता, पीछे से डियाना आ जाती है, जो उससे पूछती है कि तुम मेरी बेटी को आखिर कहाँ ले जा रहे हो। इसके जवाब में ये आदमी कहता है कि तुम्हारी बेटी को लगता है कि तुम उसे गलत मेडिसिन दे रही हो, वो तुम्हारे खिलाफ पुलिस स्टेशन जाना चाहती है और इस काम में मैं उसकी मदद करूंगा। डियाना के तो अब होश ही उड़ चुके थे। डियाना उसे बहुत तरीकों से समझाती है, उसे रोकने की भी बहुत कोशिश करती है, लेकिन जब ये आदमी नहीं रुकता तो मजबूरन डियाना को गलत रास्ता इस्तेमाल करना पड़ता है। और यहाँ पर क्लोए को बेहोश होने वाला इंजेक्शन वो उस आदमी को लगाकर क्लोए को घर वापस ले जाती है। यानी एक और बार क्लोए उस खतरनाक जिंदगी में वापस आ चुकी थी। डियाना ने क्लोए को उसकी बेसमेंट में जंजीरों से बांध के रखा था और यहाँ पर वो एक मेडिसिन भी बना रही थी, ताकि वो क्लोए को हमेशा हमेशा के लिए पैरालाइज कर सके। क्लोए हर हाल में यहाँ से निकलना चाहती थी, इसलिए वो बेसमेंट के अंदर ही कुछ जरूरी चीजें ढूंढना शुरू करती है, जिसकी मदद से वो यहाँ से निकल सके। इसी दौरान क्लोए को यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट भी मिलते हैं, जिसमें उसका यूनिवर्सिटी से आया हुआ ऑफर लेटर भी था, जिसे उसकी मॉम ने यहाँ छुपा दिया था। ये देखकर क्लोए काफी दुखी होती है, क्योंकि ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब था जो उसकी मॉम ने तोड़ दिया था। थोड़ा और ढूंढने पर क्लोए को यहाँ हॉस्पिटल के डॉक्यूमेंट्स भी मिलते हैं, जो उसी के नाम पे थे। उस डॉक्यूमेंट को देखने में पता चलता है कि क्लोए नाम की प्रीमैच्योर बेबी, जो आज से 17 साल पहले पैदा हुई थी, वो पैदा होते ही चंद घंटों बाद मारी जा चुकी थी। यहाँ उसका डेथ सर्टिफिकेट भी था। अगर वो बच्ची मारी जा चुकी है तो क्लोए कौन थी? क्लोए को इन डॉक्यूमेंट में एक न्यूज़पेपर की कटिंग भी मिलती है, जिसमें एक कपल की फोटो थी। वो लोग रो रहे थे, क्योंकि जिस दिन जिस हॉस्पिटल के अंदर क्लोए पैदा हुई, उसी दिन उस हॉस्पिटल के अंदर उनकी भी बेटा बेटी पैदा हुई थी, जिसको हॉस्पिटल से ही किसी ने किडनैप कर लिया था। ये खबर देखने के बाद क्लोए जान जाती है कि डियाना उसकी असल मॉम नहीं है, बल्कि उसकी असल मॉम डैड ये लोग हैं। वो अब यहाँ से निकलना चाहती थी, लेकिन कैसे? निकलने के सारे रास्ते तो बंद हैं। इसी दौरान यहाँ पर डियाना आ जाती है। क्लोए उसे देखकर घबरा जाती है, उसे कहती है कि दूर रहो मुझसे, मैं जान गई हूँ कि तुम मेरी मॉम नहीं हो, तुमने मुझे हॉस्पिटल से किडनैप किया था, मैं उस कपल की बेटी हूँ। डियाना इस सारी बातें सुनकर इमोशनल हो जाती है। वो क्लोए से कहती है कि तुम मेरा यकीन मानो, तुम मेरी बेटी हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं आज के बाद तुम्हें ऐसी कोई मेडिसिन नहीं दूंगी, बस मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा मेरे पास रहो। लेकिन क्लोए यहाँ दोबारा डियाना के साथ बदतमीजी करती है, तो डियाना को भी अब गुस्सा आ जाता है। अब वो बड़े से इंजेक्शन में क्लोए को पैरालाइज करने के लिए अपनी बनाई हुई मेडिसिन भरती है। अपने आप को बचाने के लिए क्लोए वहाँ से खिसकते हुए एक वार्डरोम में चली जाती है। उस वार्डरोम में तो लॉक नहीं था, तो वो अपने आप को बचाने के लिए यहाँ पे एक लिक्विड पी लेती है, जिससे वो बेहोश हो चुकी थी। डियाना को लगा कि वो मर गई। ये सोचते ही डियाना की हालत खराब हो गई। वो बहुत ज़्यादा रो रही थी, क्योंकि वो सच में क्लोए को अपनी बेटी मानती थी और क्लोए को अपने से दूर भेजना नहीं चाहती थी। और वो क्लोए को पैरालाइज होने वाली मेडिसिन भी इसलिए दिया करती थी कि कहीं वो अपने असल पेरेंट्स के पास ना चली जाए। अब क्लोए को जब होश में आया, तो उसने अपने आप को एक हॉस्पिटल में पाया। इर्द गिर्द डॉक्टर्स थे और उसके स्टमक्स को साफ कर रहे थे। वो रूम से बाहर आकर देखते हैं, तो वहाँ डियाना खड़ी थी। यानी वही उसे हॉस्पिटल लेकर आई होगी। उसे देखकर वो दोबारा से डर जाती है और पास खड़ी नर्स को बुलाती है। क्लोए उससे उस इशारे से एक पेन और एक पेपर मांगती है, जिस पर वो नर्स को कुछ लिखकर बताना चाहती थी। और यह चीज बाहर खड़े होकर डियाना भी देख लेती है। डियाना जानती थी कि क्लोए नर्स को उसी के बारे में बताएगी, इसलिए वो वक्त रहते ही हॉस्पिटल का इमरजेंसी अलार्म बजा देती है। हॉस्पिटल में चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है और इसी का फायदा उठाकर वो क्लोए को यहाँ से लेकर भाग जाती है। अब जैसे ही नर्स रूम में आई, तो उसने देखा कि क्लोए वहाँ थी ही नहीं, क्योंकि क्लोए ने उसे पेन और पेपर भी मांगा था कुछ बताने के लिए। तो नर्स का सीधा शक अब उसकी मॉम पर जा रहा था। वो जल्दी से हॉस्पिटल के सिक्योरिटी को इन्फॉर्म करती है। यहाँ डियाना उसे स्टेयर्स तक लेकर आई ही थी कि सामने से सिक्योरिटी डियाना को पकड़ लेती है।
सिक्योरिटी को देख डियाना भी अपनी गन निकाल लेती है और सिक्योरिटी की तरफ तान के कहती है कि मैं सिर्फ अपनी बेटी को अपने घर ले जाना चाहती हूँ, हट जाओ मेरे रास्ते से नहीं तो मैं गोली चला दूंगी। जब गन नीचे नहीं गई तो उस मजबूरन सिक्योरिटी को उसके ऊपर अपनी गन से हमला करना पड़ता है और ऐसे उसका एक शोल्डर जख्मी हो जाता है। क्लोई को यहाँ डॉक्टर्स रेस्क्यू कर लेते हैं और बताया जाता है कि इस सारे वाक्य को 7 साल गुजर चुके हैं। क्लोई अपनी मॉम टीन डियाना से मिलने के लिए जेल में आई है, जिसे कई सालों तक क्लोई को पैरालाइज रखने के लिए अरेस्ट किया गया था। हम देखते हैं कि क्लोई आज तक व्हीलचेयर पे ही है, लेकिन उसके बावजूद भी वो कुछ कदम चल पाती है। वो अपने कदम पर चलकर टियाना के पास जाती है और उससे कहती है कि कुछ ही अरसे में मैं चल पाऊंगी आपकी दी हुई मेडिसिन छोड़ने के बाद। पता चलता है कि क्लोई कुछ अरसे के बाद डियाना से मिलने आती रहती थी। इस वक्त वो डियाना को बताती है कि मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके एक अच्छी जॉब भी ले ली है, मेरी शादी भी हो गई है और मैंने अपने असली पेरेंट्स को भी ढूंढ लिया है। डियाना बस खामोशी से उसकी बात सुनती जा रही थी। इसके बाद हम देखते हैं कि क्लोई अपने मुंह के अंदर से कुछ रैप की हुई टैबलेट्स निकालती है, वही टैबलेट्स जो जिंदगी भर डियाना उसे पैरालाइज रखने के लिए देती रहती थी, और अब ये मेडिसिन क्लोई उसके मुंह में डाल रही थी। साफ जाहिर था कि वो डियाना से अपना बदला ले रही है और वो नहीं चाहती कि कभी भी डियाना इस जेल से बाहर आए, जिसे दिखाते हुए ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।